Hello friends, so today we are going to start a new chapter and which is how do organism reproduce. Okay, so the chapter is how do organisms reproduce. Okay, so in this chapter we will study the different method of reproduction in the different organism, okay, and the ways of reproduction. Okay, what is reproduction? Reproduction is the production of new organism from the existing one from the same species. ठीक है, एक ही species का जब organism अपने ही जैसे organism को produce करता है तो वो process कहलाती है reproduction. ठीक है, reproduction. So what is reproduction? Reproduction, production of new organisms from the existing one of same species and then it is called as reproduction. ठीक है, so reproduction जो है, जो प्रोसेस है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. ठीक है, चाहे वो बहुत एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, लाइक द बैक्टीरिया, लाइक द यीस्ट, लाइक द राइजोपस जो कि एक फंगाई है, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक है, और मल्टी सेल्युलर सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक द राइजोपस जो कि एक फंगाई है, जो कि एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सिंपलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, लाइक द हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस. हाइड्रा एक एनिमल क्लास में आता है और स्पॉन्जेस भी एनिमल किंगडम में आती हैं, और ये भी सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनिज्म, जो ये सभी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या एक सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि कैट्स, जैसे कि लॉयन या ऑल द अदर एनिमल्स. ठीक है, दे नीड टू रिप्रोड्यूस. वाई दे नीड टू रिप्रोड्यूस? सोचिए, इफ अ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस और अ the whole species of an organism cannot reproduce, what will happen? जो species है वो wiped out हो जाएगी. वो species जो है वो उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, वो wiped out हो जाएगी from the universe. ठीक है, तो ये जो reproduction की फिजियोलॉजी है, जो नीड है, वो ये है कि ताकि वो अपना जो existence है, जो अपनी life है, उसे continue कर सके in फॉर्म ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक बैक्टीरिया जब मल्टीपल बैक्टीरियाज बनाता है और वो जो पेरेंट सेल है वो डेड हो जाती है, तो क्या होता है, द लाइफ इज स्टिल गोइंग ऑन इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म और द स्पीशीज इज स्टिल गोइंग ऑन इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज टू कंटिन्यू द लाइफ, to continue the species, and that is the sole purpose of reproduction. The reproduction can be vary according to the different organism. Like simple organism, they reproduce by the simplest method. Okay, and the complex organism, they reproduce by the complex processes, and as I said, the ways of reproduction can be very different. Like जो bacteria होता है वो एक simpler जो है multiplication के द्वारा जो है वो reproduce करता है. ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या method है, simple method of reproduction क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो simple organism they reproduce by the simpler way of reproduction. Complex जो होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स मेथड्स होती है, लेकिन दे ऑल्सो वेरी. लाइक एक बर्ड जो होती है वो क्या करती है, एक एग
हैच करती है और उसमें से न्यू जो न्यू वंस है वो उसमें से निकलते हैं, ठीक है। लाइक जो कैट्स हैं दे गिव बर्थ टू द किटन्स, ठीक है, वो एक किटन को बर्थ देती है न कि एक एग को। सो द रिप्रोडक्शन जो वेज हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि प्लांट में भी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, यदि प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें कि सेक्शुअल और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है। सेम एज इन एनिमल्स डिफरेंट वेज होते हैं, सेम एज द प्लांट सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो वी विल सी फर्दर व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर नाउ स्टडी द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। Okay, one of the term is given into your books and that is variation. What is variation? Okay, you people are familiar with the term adaptation. What is adaptation? Like हमने पढ़ा है कि जो organism है वो जिस environment में रहते हैं, according to that environment, they adapt their body. Like, for example, polar bear. Polar bear कहाँ रहता है? पोल्स पे रहता है, ठीक है। पोल्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत टेम्परेचर जो है वो बहुत डाउन होता है एंड इट्स वेरी कोल्ड, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पस जो पोलर बियर है उसने क्या कर लिया है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया। किस तरह अडेप्ट किया, उसकी जो स्किन होती है उसमें थिक फर होते हैं और ये थिक फर क्या करते हैं, उसे ठंड से बचाते हैं। जैसे कि यदि हमारे एनवायरनमेंट बहुत टेम्परेचर वेदर जो है बहुत कोल्ड होता है तो हम क्या करते हैं, कोट्स पहन लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ठंड नहीं लगती। लेकिन नेचुरल कोट्स जो है पोलर बियर के पास है और वो भी फर कोट है, थिक फर कोट। सो पोलर बियर की जो स्किन होती है उस पर थिक फर होते हैं और जिसकी हेल्प से जो पोलर बियर है वो उसे वो अडेप्ट हो गया है और इस कोल्ड टेम्परेचर में भी, इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी वो रह सकता है। सो ये क्या कहलाता है, एडाप्टेशन। अब ये एडाप्टेशन, ठीक है, व्हेन द पोलर बियर रिप्रोड्यूस और जब उसके न्यू वंस जो है वो बोर्न होंगे तो उनमें भी ये फीचर्स जो है वो ट्रांसफर हो सके, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपी होता है, ठीक है। सभी सेल्स में, सारी सेल्स में जो भी रिप्रोडक्शन करती है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपलर बैक्टीरिया हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो लाइक द एनिमल्स, लाइक द ह्यूमंस, लाइक द पोलर बियर, इन सभी में जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन जिनमें होता है उनमें क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल, इसीलिए कहते हैं डीएनए को, क्योंकि ये जो डीएनए है ये जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स के फीचर्स को किसमें ट्रांसफर करता है, जो डॉटर सेल्स हैं या डॉटर जो है या ऑफस्प्रिंग्स जो है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स एनिमल्स, उनमें ये फीचर्स को ट्रांसफर करता है एंड इट कंटेन्स ऑल द फीचर्स, ठीक है। और इस डीएनए कॉपिंग की वजह से ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन दिस डीएनए ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन सेल एंड दिस सेल कैन बी सिंपलर और बैक्टीरियल सेल विच अंडरगोज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दिस डीएनए कॉपिंग कैन बी ऑकर इनटू द गैमेट सेल्स और द सेक्स सेल विच अंडरगोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो डीएनए कॉपिंग है ये जरूरी होता है कि जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के फीचर दैट कैन बी ट्रांसफर्स इनटू द डॉटर सेल, ठीक। तो पोलर बियर का जो थिक फर फीचर है वो उसके न्यू वंस में भी आ सके, इसके लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपिंग होती है और जो पेरेंट्स के फीचर्स हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स के जो है उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं और व्हेन दे ग्रो अप वो फीचर्स अपीयर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है,
वेरिएशन किसे कहते हैं। अब ये जो डीएनए कॉपिंग होती है, सम टाइम डीएनए कॉपिंग में कुछ माइन्यूट चेंजेस आ जाते हैं एंड ये माइन्यूट चेंजेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस है। डीएनए कॉपिंग जो है कंप्लीट बायोकेमिकल प्रोसेस है। डीएनए क्या होता है, एक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो डीएनए कॉपिंग की मैकेनिज्म होती है इट इज कंप्लीट अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग के वक्त बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से जो फीचर हैं उसमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। जब डीएनए कॉपिंग होती है तो माइन्यूट बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके फीचर्स में जो चेंजेस आते हैं वो कहलाता है वेरिएशन, ठीक है। अब ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जो एसेक्सुअल मेथड होती है रिप्रोडक्शन की, उसमें से क्या होता है, सिंगल पेरेंट जो है उसमें जब मल्टीप्लीकेशन होता है या उसके द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को वो जन्म देता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। और जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज आइडेंटिकल टू द सिंगल पेरेंट, ठीक है। तो क्या होगा कि वेरिएशन जो है वो बहुत माइन्यूट होंगे, वेरी माइन्यूट वेरिएशन विल बी सीन और निल, माइन्यूट और निल वेरिएशन विल बी सीन बिकॉज इट विल बी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर टू द पेरेंट, ठीक है। तो आइडेंटिकल न्यू ऑफस्प्रिंग होने की वजह से उनमें जो वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी है वो माइन्यूट होगी, बहुत कम होगी या ऑलमोस्ट निल होगी, ठीक है। और इनमें जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, और उनकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन की वजह से गैमेट सेल के फर्टिलाइजेशन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें वेरिएशन ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इस ऑफस्प्रिंग में किस किस के फीचर होंगे, फादर के फीचर्स भी होंगे और मदर के फीचर्स भी होंगे, ठीक है। तो जब दोनों के फीचर्स ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे तो जो वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए इसमें वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और ये वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये वेरिएशन मैंने आपको बताया कि वेरिएशन इसमें भी हो सकता है लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और ये वेरिएशन जब इनमें जो सिंगल पेरेंट्स, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जो है न्यू ऑफस्प्रिंग्स का बर्थ होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल पेरेंट, और उनके द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग्स का रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें वेरिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है जबकि इसमें प्रोबेबिलिटी वेरिएशन की कम है। अब ये वेरिएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए अब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पोलर बेयर का एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पर थिक फर जो है एक उसका एडाप्टेशन है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि कोई एनवायरनमेंट है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, और उस तेज़ी से बढ़ने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स उसमें रहते हैं वो क्या कर पाएंगे, वो उसको एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो एडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी और दैट स्पीशीज विल be wiped out from the environment, ठीक है। तो क्या होगा कि जब drastic changes आते हैं environment में, जैसे कि high temperature या बहुत cold temperature, तो उस drastic changes को यदि survive नहीं कर पाते हैं species, तो the species will be wiped out। लेकिन due to the DNA copying, if there is variation occur due to the environment changes, ठीक है, इस बहुत high temperature की वजह से यदि organism में resistant produce हो रहा है, adaptation produce हो रहा है, तो क्या होगा, जो new species हैं उनमें भी वो adaptation transfer होगा, ठीक है, तो वही survive कर पाएंगे जो कि adapt कर पाएंगे,
adapted to the environment. The species which are adapted to the environment, they only can survive, and they will transfer this adaptation or this variation to the new offspring. ठीक है, तो ये variation जो कि new offsprings में आता है, ये बहुत जरूरी है किस चीज के लिए? The variation is important for two purpose. One is survival of species and also for evolution. ठीक है, अब survival of species तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यदि environment में drastic changes आ जाएं तो उसके लिए बहुत जरूरी है adapt करना. एक example लेते हैं, जैसे dinosaurs. dinosaurs का आपने पता होगा कि dinosaurs कैसे wiped out हो गए, कैसे उनकी species बिल्कुल जो है लुप्त हो गई, कैसे वो जो है पूरी तरह से wiped out हो गए environment से. क्योंकि उसका एक कारण बताया जाता है कि उस वक्त जो अर्थ का एनवायरनमेंट था उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए और उसकी जो डायनासोर्स थे उसको अडैप्ट नहीं कर पाए, एंड ड्यू टू दैट कॉज जो डायनासोर्स थे उनकी जो स्पीशीज थी वो पूरी तरीके से वहां से वाइप्ड आउट हो गई. सो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है. ठीक है, किसको वेरिएशन कहा हमने? ये जो मॉडिफिकेशन आता है, जो चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह से, एंड विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द देयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये जो चेंजेस या ये जो वेरिएशन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. दूसरा इन्होंने बताया इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आफ्टर द जेनेटिक्स वी विल स्टडी द इवोल्यूशन. लेकिन इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? ठीक है, इवोल्यूशन मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो स्पीशीज बाय स्पीशीज जो डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे कि हमें पता होगा कि बहुत जोक्स में हमें बोलते हैं कि भाई मंकीज आर एंसेस्टर्स. ठीक है, किसी को देख के हम कहते हैं कि भाई अच्छा इसे देख कर लगता है कि मंकीज आर अवर एंसेस्टर्स. ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इवोल्यूशन प्रोसेस का स्टडी किया गया, ठीक है, इवोल्यूशनिस्ट के द्वारा, तो देखा गया कि मंकीज जो थे उनके बाद उनमें जो चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके बाद एप्स बने, और एप्स को कहा जाता है कि दे आर द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन. तो जब एप्स में बहुत सालों के बाद जो डिफरेंट चेंजेस देखे गए उसके बाद जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का ओरिजिनेट हुआ, ह्यूमंस जो है वो ओरिजिनेट हुए. ठीक है, और ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? अब जब आप देखते हैं कि भाई स्टोन एज जो थी, जिसमें कि स्टोन्स का यूज जो है बहुत ज्यादा किया जाता था ह्यूमंस के द्वारा, और स्टोन एज में जो ह्यूमंस थे वो बहुत प्रिमिटिव काइंड ऑफ ह्यूमन थे. ठीक है, और उनका जो उनके जो फीचर्स थे दे आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, दे डोंट यूज मच लैंग्वेज. लेकिन आज के एरा में क्या है, हम बहुत ज़्यादा जो ब्रेन है वो बहुत डेवलप्ड है. ठीक है, ब्रेन डेवलप्ड है, साथ ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है. कैसे डेवलप किए? कि जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हुआ वैसे वैसे हमारे जो रिसोर्सेज थे वो हमने उन्हें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया. ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन के द्वारा क्या होता है, बहुत सालों के डिफरेंसेस से एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में चेंजेस आते हैं, और इस प्रकार बहुत साल जब हो जाते हैं, हजारों सालों के अंतराल पर, ये जो है कंप्लीट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो इवॉल्व होते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा कि एप्स में जब चेंजेस हुए, वेरिएशन आए आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, देन किसका इवोल्यूशन हुआ? ह्यूमन का. ठीक है, तो ये इवोल्यूशन कैसे हो सका? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन इट कैन हैपन. ठीक है, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एप्स ने क्या किया, अपने बॉडी में चेंजेस आए. ठीक है, बॉडी में चेंजेस आए एप्स की. ठीक है, उसके चलने के तरीके में चेंजेस आया. ठीक है, वो एप्स जो थे उन्होंने वो पहले ही अपने सिर्फ दो लिम्स पर जो है वो वॉक करते थे. ह्यूमंस कंप्लीटली इरेक्ट वॉक कर सकता है, एप्स कंप्लीटली इरेक्ट वॉक नहीं कर सकते. लेकिन बहुत सालों के बाद जब ये वेरिएशन आया इन डिफरेंट फीचर, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, और ह्यूमन में भी
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब स्टोन एज में जो ह्यूमन था उसमें और आज के ह्यूमन में भी काफी डिफरेंसेस हैं जो कि आप देखते हैं, जो कि हम एवोल्यूशन में भी देखेंगे आगे जाकर. लेकिन जस्ट फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन आई एम टेलिंग यू कि वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल एंड ऑफ स्पीशीज एंड इवोल्यूशन. जब तक वेरिएशन नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है. यदि वेरिएशन नहीं आएंगे तो एक स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी ड्यू टू द ड्रास्टिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक. सो ये हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, वॉट इज द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन. फिर रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने पढ़ा. अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप, सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. सो टाइप्स में सबसे पहले सिंपलर मेथड हम देख रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलेस्ट मेथड जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं. और सबसे पहले हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होती है. और ये सेक्स सेल या इन्हें गैमेट्स भी कहते हैं आर नॉट इन्वॉल्व. अब ये क्या होती हैं, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा व्हाट इज द सेक्स सेल और गैमेट्स, ठीक है. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल या गैमेट्स जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल या पेरेंट ऑर्गेनिजम्स, नॉट पेरेंट सेल, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सेक्स सेल या गैमेट्स फॉर्म किए जाते हैं. एंड व्हेन दी सेक्स सेल फर्टिलाइज देन दे रिप्रोड्यूस द न्यू वंस, ठीक. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्स सेल या गैमेट्स क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने देखा कि सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होती. दूसरा, ओनली वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट गिव बर्थ टू न्यू वंस, ठीक है. तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है इन द रिप्रोडक्शन, ठीक है. जो न्यू वंस हैं वो आइडेंटिकल होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल. आर आइडेंटिकल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है. तो जो न्यू वंस होंगे, ठीक है, जो कि सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं, वो न्यू वंस पेरेंट सेल्स के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल कॉपी होंगे पेरेंट सेल की, ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वेरिएशन की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इट ऑकर इनटू ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक है, प्रोटोजोअन्स, दीज आर ऑल व्हाट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एंड इट ऑल्सो ऑकर इनटू द सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सभी सेल हैं वो एक ही प्रकार की होती है, ठीक है. सिंगल या यूनिसेल्युलर में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर. यूनि मीन्स सिंगल. तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स जब वो एग्रीगेट हो जाती हैं एंड देन दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, देन वी कॉल देम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई, राइजोपस, जैसे कि हाइड्रा,
जैसे कि स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस और हाइड्रा एनिमल किंगडम में आते हैं, लेकिन ये सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि मल्टीसेल्युलर रहता है ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऑर्गेन सिस्टम डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम डेवलपमेंट मतलब कि जैसे कि जब आप हायर एनिमल्स को देखेंगे, जैसे कि आप यदि आप एक रैट को देखें, ठीक है, या फिर एक फ्रॉग को देखें, या एक कॉकरोच को देखें, इंसेक्ट को, तो इनमें भी एक प्रॉपर ऑर्गेन सिस्टम होता है। या अब अर्थवर्म को भी यदि लें तो अर्थवर्म में भी एक प्रॉपर ऑर्गेन सिस्टम डेवलप रहता है। ऑर्गेन सिस्टम मतलब उनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, उनमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उनमें प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, उनमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक प्लेटी हेलमेंथिस है, एक एनिमल है प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वर्म होता है, प्लेटी हेलमेंथिस फाइलम में ये आता है। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होते हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉपर ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता, और इसीलिए इन सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल काइंड ऑफ होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज to produce new organism by single parent is called asexual reproduction, and the new one is identical to the parent. ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द न्यू वन इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक, अब ये देख लिया हमने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, साथ ही किस में होता है, ये हमने देखा। ठीक, ओके, एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट सेल, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द फीचर्स, क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या है, ये हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि किन मेथड्स के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म।